तू सीटी क्यों बजाता रे? कितनी बार समझाया सीटी मत बजाया कर। सीटी बजाने में क्या बुराई है माँ? ये आवारागर्दी की निशानी है बेटा। तू ऐसा क्यों सोचती है माँ? सीटी बजाने से कोई आवारा हो जाता है तो कुछ भी सोच लेती है माँ। क्यों नहीं सोचू? पर तुझे निकम्मी हरकतों से मिलता क्या? हाँ बोल। मैं यूं ही थोड़ी ना सीटी बजा रहा हूँ माँ, ये तो मेरे कॉलेज में एक प्ले है जिसके लिए मैंने एक धुन बनाई, बस उसी को रिहर्स करने के लिए मैं सीटी बजाता हूँ। कैसी है? अच्छी है ना? माँ ये गधा आजकल बहुत स्मार्ट बन रहा है। कौन गधा? यही जो हमारे घर के सामने रहता है, पांडू। पर हुआ क्या बेटा? कुछ नहीं, कॉलेज में मुझे गाली बकरा था, सारी लड़कियों के सामने रौब जमा निकली। अगली बार उसने ऐसी कोई हरकत की ना मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। भगवान के लिए ऐसे मत करना, वो तो लफंगा है, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। तू रहने दे, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। हुँ? नाश्ता लगाती हूँ, आ जाना जल्दी। आने पे बता दूंगी, ठीक है। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? आप शांति से बैठिए, अभी आपको ही बुलाएंगे। कब? सर प्लीज, सर एक मिनट रुकिए सर। हाँ मैं आ जाऊँ। आप अंदर नहीं जा सकते। यस? किसने अंदर भेजा आपको? बाहर जाइए। आई विल कॉल यू। सर आई टोल्ड हिम टू वेट बट ही जस्ट रश्ड इन। पिछले एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट? सुनिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? आइए, प्लीज कम, बैठिए, कहिए, क्या बात है? मुझे अपनी बेटी रेवती के बारे में पूछना था। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो आपकी बेटी है इसलिए रियलिटी से आंखें मूंद लेंगे। आपकी बेटी गुंगी बहरी है, समझे आप? पता है आज सुबह आपके जाने के बाद क्या हुआ? रेवती ने गुस्से में किताबें और अखबारें फाड़ डाली, पेपर वेद से मटका फोड़ डाला और आईना तोड़ने ही वाली थी कि मैं सामने आ गई, इसीलिए रुक गई। आपने सुना जो मैंने कहा? हाँ? कुछ कहा तुमने? रेवती की तरह कि आपको भी सुनाई नहीं देता?
नहीं नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, इस वजह से नहीं सुन पाया। बताओ ना, क्या कह रही थी? वही, हमारी बेटी के बारे में। उसे जरा बाहर घुमा लाइए ना। रद्दी वाले, रुको जरा। जी सुशांत। हाँ माँ। रद्दी वाला आया है। कुछ बोतलें और डिब्बे टोकरी में पड़े हैं, वो और अखबार सब दे देना। कहाँ गई शांति? शांति क्या हुआ? बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? वो सागर की चिट्ठी रास्ते में कहीं गिर गई, शायद जेब में तो नहीं है। उफ़ो, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जाने से पहले मैंने वो चिट्ठी आपकी टेबल पर देखी थी। टेबल पर? हाँ। अरे हाँ, याद आया। शांति, यही तो रखी थी मैंने चिट्ठी, कहीं कहा? याद आया, अखबार के ऊपर चिट्ठी थी। वो अखबार? शांति, शांति, अब क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? एक पुराना अखबार कहाँ है जो टेबल पर रखा था? चिट्ठी मैंने उसी पर रखी थी। रद्दी वाला आया था, मैंने सुशांत से रद्दी बेचने को कहा, कहीं वो अखबार। अरे क्या जरूरत थी रद्दी बेचने की? उसको चिट्ठी नजर नहीं आई, वो तो एकदम लापरवाह है। तुम तो थी घर में, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम भी कम नहीं हो। क्यों इतना भड़क रहे हो? कहीं रख दी होगी उसने। वो है कहाँ? बाहर गया है। बाहर कहाँ? गिटार सीखने।